नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और सबसे पहले बात हरियाणा चुनाव की करेंगे। हरियाणा चुनाव में जो एजेंडा योगी आदित्यनाथ ने सेट किया, बीजेपी से लेकर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद तक, अब उसी एजेंडे पर आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को भी बटोगे तो कटोगे वाला बयान गर्म कर चुका है। अभी ज्यादा दिन हुए नहीं जब हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे वाला बयान दिया था। नतीजा ये रहा कि हिंदू वोटर एकजुट हुए और हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हरियाणा चुनाव से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रयोग शुरू किया उसके शानदार नतीजे आने के बाद अब बीजेपी पूरे देश में उसी प्रयोग को आजमाना चाहती है। बटोगे तो कटोगे के बयान के जरिए योगी ने हरियाणा चुनाव का एजेंडा सेट किया था। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस का एक ही मिशन है समाज को बांटना। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मनसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान हो चुका है और यहाँ भी बटेंगे तो कटेंगे पर राजनीतिक पारा हाई है, विरोधियों की टेंशन टाइट है। इसी बीच बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल पर भी है। बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला किया। जिस तरह से टैक्स स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कह कर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले। अमित शाह के बयानों से साफ है कि बीजेपी ने अभी से 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। एजेंडा भी क्लियर है, हिंदू वोटरों को एक करो। कोलकाता में बीजेपी के सदस्यता अभियान में एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर प्रहार किया। मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया कि कुछ भी करेंगे 2026 में वो कुर्सी हमारी होगी। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। उन्होंने कहा कि सनातनियों को एक करना होगा, 80% हिंदू एक हो गए तो 2026 में बंगाल जीतेंगे। 26 ये मसला हमारा होगा, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का चार फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद थे। शुभेंदु ने कहा, 80% सनातनी एक हो गए तो 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी। लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में, वजह है पप्पू यादव को मिली धमकी।
कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। ये रिपोर्ट देख पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस विश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव ने ही इस ऑडियो को जारी किया है। इस वीडियो और ऑडियो क्लिप में सांसद को लफड़े में पड़ने से बचने की सलाह दी जा रही है। साथ ही सांसद को अपना काम करने और अपने काम से मतलब रखने की बात कही जा रही है। ऑडियो में कहा जा रहा है कि आपको हम लोगों ने बड़ा भाई माना है, बड़ा भाई बन के रहो तो अच्छा रहेगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी भरा कॉल अज्जू लॉरेंस की तरफ से आया है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताता है। उसने व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर हत्या की धमकी दी है। जिस नंबर से धमकी भरा कॉल आया था वो एक बिजनेस अकाउंट है। आपको वो धमकी वाला ऑडियो सुनाते हैं जिसे पप्पू यादव ने रिकॉर्ड किया है। ऊपर वाला देखिए एक बार जानिए पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया। एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा। मेरी बात सुन, उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा, वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकल, उन्हें पॉलिटिकल ना ले, किसी के खिलाफ बोलना किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र फोन नहीं करेंगे ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके किसी और से। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पिए हूँ साहब का, पिए हैं साहब का जी जी पप्पू यादव जी जी एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है ही गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम, किसी के खिलाफ किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना किसी भी घटना को लेके किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई दुश्मनी। लॉरेंस विश्नोई गैंग ने कुछ दिनों पहले ही मुंबई के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पप्पू यादव हाल ही में मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मिले थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बाबा और उनके परिवार को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा था कि हत्यारों और साजिशकर्ताओं को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब उनको लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव ने धमकी के बाद सुरक्षा घेरा बढ़ाने की अपील की है। वाई श्रेणी से बढ़कर जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब बात पूरी दुनिया में भारत की, आत्मनिर्भर भारत की सुपर हिट शो की, जिसकी गवाही आज स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के पीएम सांचेज के साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL में C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये मेड इन इंडिया के तहत C295 एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा।
जिस देश में सेना के कपड़े, दस्ताने और स्लीपिंग बैग जैसे सामान 2021 से पहले तक आयात किए जाते थे, उस देश की सेना अब मेड इन इंडिया विमान पर उड़ान भरेगी। आज भारत उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया जहां पर निजी कंपनियां सैन्य विमान बनाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस कॉम्प्लेक्स में C-295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। भारत ने स्पेन के साथ मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत C-295 एयरक्राफ्ट बनाने की डील की है, जिसके तहत 40 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे और भविष्य में मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट दूसरे देशों को भी निर्यात किए जाएंगे। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के दौरान स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेंज भी मौजूद थे। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने पेड्रो साचेंज के साथ वडोदरा में रोड शो किया। इस रोड शो में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। रोड शो के दौरान एक छात्रा पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति की पेंटिंग लेकर खड़ी थी। उसे उम्मीद तो थी कि शायद पीएम मोदी की नज़र उसकी पेंटिंग पर पड़ जाए, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति खुद चलकर उसके पास जाएंगे और उसकी पेंटिंग की तारीफ करेंगे। पीएम की नज़र जैसे ही पेंटिंग पर पड़ी, उन्होंने पेंटिंग मंगाई और उस छात्रा के पास पहुँचे। प्रधानमंत्री ने उसका हौसला भी बढ़ाया। भारत मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत 100 से ज्यादा देशों को हजारों करोड़ के सैन्य सामान निर्यात कर रहा है। पूरी दुनिया में भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी की चर्चा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन कई बार पीएम मोदी और मेक इन इंडिया पॉलिसी की तारीफ कर चुके हैं। सैन्य उपकरण आयात करने वाला देश अब एयरक्राफ्ट निर्यात करेगा। अब जब दुनिया के कई देश युद्ध की आग में जल रहे हैं, भारत अपनी नीतियों से विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। तभी तो दुनिया के कई देशों को उम्मीद है कि पीएम मोदी यूक्रेन रूस युद्ध और इजराइल ईरान युद्ध रुकवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और एमपी में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी तो जीतू पटवारी की नई टीम पर तंज लगातार कस रही है। कांग्रेस के नेता भी नाराज हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। आखिर नई कार्यकारिणी क्यों है, इस पर एतराज आए जानते हैं। जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक अजय सिंह हैं ये जो अपनी पार्टी को खरी खोटी सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। अजय सिंह की ये नाराजगी एमपी में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर बीजेपी तो तंज कसी रही है, कांग्रेस नेता भी नाराज हैं। वहीं अजय सिंह ने कार्यकारिणी पर क्या कहा, सुनिए। जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। जिस तरह से स्वरूप बना है वो थोड़ा उचित नहीं है, सोच समझ के सब होना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है। आखिर नई कार्यकारिणी पर अजय सिंह को क्यों ऐतराज है? ये कहा जा रहा है कि कार्यकारिणी पर दिग्विजय सिंह की छाप दिख रही है और शायद अजय सिंह भी यही कहना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी को इस कार्यकारिणी को भंग कर देना चाहिए। तो साफ साफ नजर आ रहा था कि माननीय दिग्विजय सिंह जी की छाप लगी हुई है और संभवतः राहुल भैया, अजय जी भी, अजय सिंह जी भी यही कहना चाहते हैं। बस नाम नहीं लिया उन्होंने राजा साहब का, लेकिन क्या तो वही रहे हैं वो। तो हम जो कहते हैं ना कि इस कार्यकारिणी को कायदे से जीतू पटवारी को भंग कर देना चाहिए। एमपी कांग्रेस की 177 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की इस टीम में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। जीतू पटवारी ने नई टीम तो तैयार कर दी है, लेकिन टीम में पार्टी के अंदर ही विद्रोह के सुर सुनाई दे रहे हैं। अजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता नाराज हैं, नई कार्यकारिणी निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एमपी में मोहन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा दिया है।
और इस फैसले पर कर्मचारी खुश तो हैं, लेकिन 7% डीए की मांग भी जारी है। कांग्रेस ने भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता राज्य में लागू करने की मांग की। एमपी में दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों की दिवाली हो गई है। प्रदेश की मोहन सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा दिया है। इसका फायदा 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। ये फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा। अब प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। कर्मचारियों को हर महीने 5,640 रुपए का फायदा मिलेगा। एरियर के रूप में 6,200 से लेकर 56,400 तक रुपए भी मिलेंगे। कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मोहन सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया गया, 1 जनवरी 2024 से मिलेगा डीए, एमपी में 50% महंगाई भत्ता, कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा, एमपी में कर्मचारियों को एडवांस सैलरी। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसको भी बढ़ाने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, खासकर इसकी बधाई डबल तब हो जाती है जब दीपावली भी है और इस अवसर पर मध्यप्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी है। सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से दिया जाएगा। आज हमारा अक्टूबर चल रहा है लेकिन हम आप सबको 1 जनवरी से देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार आप सबको पुनः बधाई। डीए बढ़ाए जाने पर कर्मचारियों ने खुशी जताई है। हालांकि कर्मचारी 7% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संघ के महामंत्री उमा शंकर तिवारी ने कहा कि उनकी मांग 3% और महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की है। सीएम ने सिर्फ जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है, लेकिन जुलाई 2024 से 3% भी लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को दिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारा निवेदन है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारा जुलाई 2024 से जो 3% बकाया है उसको भी प्रदान करें ताकि प्रदेश का कर्मचारी केंद्रीय दर व केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता का लाभ प्राप्त कर सके। साथ ही निवेदन है कि हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी साथी हैं उनको भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से ही प्रदाय किया जाए, क्योंकि प्रदेश का कर्मचारी शासन हित में काम कर रहा है और शासन हित में काम करने पर प्रदेश की सरकार द्वारा समय समय पर उसको उचित लाभ दिए जाएंगे, उसका हम स्वागत करेंगे और हमारी जो मांगे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है उसके लिए साधुवाद। डीए को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को 7% डीए बढ़ाना था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 4% डीए बढ़ाए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से केंद्र के समान महंगाई भत्ता राज्य में लागू करने की मांग की है। जो कर्मचारियों पेंशनर्स की मांग थी उसको केंद्र के समान लागू नहीं किया है। केंद्र महंगाई भत्ता दे रहा है 7% की दर से, राज्य दे रहा है 4% की दर से बढ़ाया, मतलब केवल 50% किया, जबकि केंद्र 53% दे रहा है। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से फिर से वही मांग है कि केंद्र, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, आप ही लोग छाती पीट पीट के बोलते हैं, तो जैसा डबल इंजन है तो जैसा पावर ऊपर के इंजन में होगा वैसे ही पावर नीचे के इंजन में होना चाहिए। प्रदेश के कर्मचारी डीए बढ़ाए जाने पर खुश तो हैं, लेकिन उनकी मांग 7% डीए की है। डीए के साथ अब पुरानी पेंशन को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पूछा कि सरकार पुरानी पेंशन कब लागू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर लखनऊ के चिनहट थाने में 32 साल के मोहित पांडे की शनिवार को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। थाने में मौत के बाद से सियासत गर्मा गई। विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं डिप्टी सीएम का कहना है कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से संवेदनशीलता से काम कर रही है। विपक्ष को मौत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के चिनहट थाने में मोहित पांडे नाम के लड़के की कस्टोडियल डेथ का मामला चर्चा में है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के बाद मोहित की तबीयत बिगड़ी जिससे उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल मोहित पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन इसमें मौत की वजह साफ नहीं है, इसलिए विसरा भी सुरक्षित रखा गया है।
सीएम योगी ने मोहित पांडे के घर वालों से मुलाकात की। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि आरोपी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता और घर देने की बात भी कही है। वहीं बच्चों की मुफ्त पढ़ाई का इंतजाम भी सरकार करेगी। डिप्टी सीएम का कहना है कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हर स्थिति में न्याय मिलेगा। देखिए, ये कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को पोलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस मुलाकात के बाद मोहित पांडे के परिवार ने कहा कि उन्हें सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। परिवार ने कहा कि वो सीएम योगी से मिलकर संतुष्ट है। आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो आश्वासन मिला है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं, कार्रवाई हो रही है? हो रही है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो मुलाकात हुई, उन्होंने 10 लाख रुपए के साथ में आवास और आपके ये जो बच्चे हैं, ये आपके ही बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं। इनको, इन बच्चों के जो इनकी शिक्षा होनी है उसके लिए भी उन्होंने भरोसा दिया है कि इनकी शिक्षा भी मुफ्त करेंगे। हाँ, बोल रहे हैं बच्चों की फीस। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हिरासत में मौत के लिए यूपी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने जहां यूपी में कानून व्यवस्था की तुलना जंगल राज से की, वहीं मायावती ने दोषियों पर फौरन कार्रवाई की मांग कर दी। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। उनके समय में जिस तरह से दंगाई, दबंग, बलवाई, बाहुबली और बकैद बेखौफ होकर के सरकार के और सियासत के संरक्षण में समाज के लिए चुनौती पैदा करते रहे, वो लोग जो है वो आज सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके समय का जो जंगल राज था उसको आज जो है वो मंगल राज से उसका मुकाबला आप कर रहे हैं। जहां तक सवाल है, इस तरह की जो घटना हुई है उसकी बहुत संवेदनशीलता के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी तह तक भी जा रही है। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वही केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का कहना है कि युवक की पुलिस कस्टडी में मौत पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। गांधी परिवार की मेंबर हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल सकती हैं। उनके लिए तो कुछ बोलने का अधिकार है। अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस की देखी नहीं है। शायद कांग्रेसी सरकार जब कभी रही होगी तो वो राजनीति तो छोड़िए, उन्हें पता भी नहीं होगा एबीसीडी क्या होती है। लेकिन अखिलेश यादव का जहां तक सवाल है, तब मैं कहूंगा 2017 से पहले के शासन को देखना चाहिए, अपने ग्रेमन में झांक कर देखना चाहिए, जब गुंडे माफियाओं का शासन माना जाता था। पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत को लेकर जहां बीजेपी का दावा है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ मामले को हैंडल कर रही है, वहीं विपक्ष इसे उपचुनाव को देखते हुए मुद्दा बनाने की तैयारी में है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एमपी और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत का विरोध भी देखने को मिल रहा है। प्रचार के दौरान नाराज लोगों ने रावत के सामने पेयजल का मुद्दा उठा दिया। उधर रायपुर में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला है। चुनाव बढ़ा सियासी तनाव, नेताजी के सामने जनता का दर्द, पोस्टर वॉर छत्तीसगढ़ में तकरार, प्रचार का बढ़ा शोर, प्रचार धुआं था। उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव का शोर बढ़ गया है। नेताजी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता अपना दुखड़ा नेताजी को सुना रही है। कहीं कहीं विरोध के स्वर भी हैं। विजयपुर विधानसभा में प्रचार कर रहे बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। एक महिला ने पेयजल की समस्या को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। बड़े आदमी बिठाने हमें
उधर बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के लिए मंत्री कृष्णा गौर ने बुधनी विधानसभा के कई गांवों का तूफानी दौरा किया। कृष्णा गौर ने दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, इसे लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कांग्रेस में अंदरूनी कलह बताई गई है। पोस्टर में कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा को कांग्रेस नेता पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर और कन्हैया अग्रवाल कार्टून में दिख रहे हैं। साथ ही पोस्टर में लिखा है, तुझे जीतने तो नहीं देंगे हम। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक सियासी पारा हाई है। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।